नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वनडे परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए वन लाइनर टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत कुल 40 प्रश्न सम्मिलित हैं। ये प्रश्न परीक्षा की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, तो आइए इन प्रश्नों को एक एक कर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्थित है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी। तो ये सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन वैदिक देवता नैतिक व्यवस्था का संरक्षक था। तो ये वरुण थे, और वरुण को ऋतस गोपा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में प्रधान देवता कौन थे। तो ये देवता थे बृहस्पति, जबकि ऋग वैदिक काल में प्रधान देवता इंद्र थे, और दूसरे स्थान पर अग्नि थे, जिनके लिए 200 सूक्त थे और इंद्र के लिए 250 सूक्त थे ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो इनकी संख्या 16 थी, और इस बात का उल्लेख अंगुत्तर निकाय तथा भागवत सूत्र ग्रंथों में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम सफल आक्रमणकारी भारत पर डेरियस या दारा प्रथम था, जो ईरान के हखामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट है आजीव संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो इस संप्रदाय के संस्थापक थे मखरी गोशाल। नेक्स्ट है कि इस्लाम में खलीफा का पद कब समाप्त कर दिया गया। 1924 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि कौन मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो ये बिंदुसार था। अशोक का पुत्र बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट, अशोक ने हिमालय क्षेत्र में किस धर्म प्रचारक को भेजा था। तो भेजा था मज्झिम को, जैसा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न धर्म प्रचारक भेजे थे, उसमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध थे। और श्रीलंका में भी उसने धर्म प्रचार के लिए अपने संगमित्रा और महेंद्र को भेजा था वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृत भाषा में गाथा सप्तसदी की रचना किसने की। तो इसकी रचना हाल ने की थी, और हाल सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमीपूर्ण सातकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है। तो ये संस्कृत भाषा में है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, और रुद्रदामन शक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो दीनार कहा जाता था, और गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। तो ये अभिलेख मिले कुमारगुप्त को के। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था।
तो ये हराया था चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने। इस हार के कारण हर्षवर्धन का दक्षिण भारत में विजय का अभियान समाप्त हो गया। सपना। नेक्स्ट है कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबार में कौन जैन विद्वान रहता था? तो रहते थे हेमचंद्र। नेक्स्ट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था वह कहाँ स्थित है? तो स्थित है उड़ीसा में। कुछ सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है, जैसे गुजरात में अहमदाबाद का मोढेरा सूर्य मंदिर तथा जम्मू कश्मीर का मारतंड मंदिर, इसे ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाले इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को देश का निवासी था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था तथा इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जाता है? तो जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1,000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1,000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। गाजी का अर्थ होता है काफिरों के का दमन करने वाला, काफिरों का घातक। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगानी मूल का था? तो लोदी वंश का था। जैसा कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए थे, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। इसको सारे वंशों के प्रथम अक्षर से आप जोड़ के बैठा सकते हैं गुखितु शैल के नाम से। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जैनुल आबिदीन। यह शासक भी कश्मीर में अकबर की तरह नीतियाँ उदार नीतियाँ लागू किया था और कल्याणकारी योजनाएं चलाया था। हालांकि इसका शासनकाल अकबर के शासन से 100 साल पहले था। नेक्स्ट है कि विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज कौन थे? ये तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि थे। इसमें तेनालीराम रामचंद्र उनके दरबार में रहते थे, प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सद्र उस शद्र किस विभाग से संबंधित था? तो धार्मिक मामले से संबंधित था, ये शद्र होगा, शद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक ने टका और जीतल, शीतल नहीं जीतल है, जीतल सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। टका सिक्का चांदी का बना होता था और जीतल तांबे का बना होता था, या शुद्ध अरबी सिक्के होते थे अरबी भाषा में। नेक्स्ट है कि द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था निम्बकाचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का किया था, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? तो वो बताया था कृष्णदेव राय को। अब ये बताया था अपनी पुस्तक बाबरनामा में, तुझके बाबरी में, और तुझके बाबरी तुर्की भाषा में उसने लिखी थी। नेक्स्ट है कि अकबर के समय भूमि सुधार के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो टोडरमल प्रसिद्ध था, और टोडरमल ने आयनीय दशहला पद्धति चलाई थी,
और ये चलाई थी 1580 में, जिसमें पिछले 10 वर्षों के औसत के आधार पर लगान वसूला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ये शाहजहाँ की पत्नी का नाम है और उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल के निर्माण में कुल 22 वर्ष लगे थे और ये विश्व के 7 अजूबों में, जैसा कि आपको पता है, शामिल है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में शासक को सुल्तान कहा जाता था, तो मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बादशाह। नेक्स्ट कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह प्रसिद्ध सिख शासक थे। नेक्स्ट है कि प्रथम वास्तविक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो यह था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मोनरो ने किया था, जबकि दूसरी तरफ जो शामिल थे उसमें मुगल शासक, अवध का नवाब तथा बंगाल का मीर कासिम शामिल थे। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने छल कपट के द्वारा विजय पाई थी, इसलिए उसे वास्तविक विजय नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने भारत में सहायक संधि शुरू की? तो शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किस, ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी गैडल्लू को रानी गैडल्लू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जिया तरंग आंदोलन जो हुआ था मणिपुर में, वहाँ इन्होंने विद्रोह में शामिल हुई थी और ये रहने वाली थी नागालैंड की, और आज़ादी के बाद ही इन्हें जेल से मुक्ति मिली जब भारत आज़ाद हुआ तब। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपत महोत्सव की शुरुआत किसने कराई थी? तो तिलक ने कराई थी, और गणपत महोत्सव शुरू हुआ था 1893 में। अंतिम प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, कहा था। और इसके जवाब में महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना ही इनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो दोस्तों, ये वनडे एग्जाम से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही अब सीरीज हमले के बीच बीच में आते रहेंगे। वीडियो देखने के बाद आप यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।